भरतपुर से आए चार साफ सूटरों को पुलिस ने हत्या की घटना को अंजाम देने से पहले ही धर दबोचा है। सात पिस्टल व 82 कारतूस भी बरामद किए हैं। शहर के व्यापारी, हिस्ट्री सीटर और राजनेताओं का मारने का प्लान था। एसपी चुनाराम जाट ने ये बड़ा खुलासा किया है। राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अजमेर जिला पुलिस कितनी मुस्तैद है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अजमेर पुलिस ने शहर में ठाए ठाए की आवाज गूंजने से पहले ही रोक ली। शहर में वारदात करने आए भरतपुर के बदमाशों को हथियारों के साथ धर दबोचा। अजमेर के कुंदन नगर से सात पिस्टल और 82 कारतूस सहित पकड़े गए चारों आरोपी साफ शूटर हैं। वे जहां राजनेता, व्यापारी व हिस्ट्री सीटर की हत्या करने के लिए भरतपुर से यहां आए थे। इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड वरुण चौधरी व आकाश सोनी हैं। उन्होंने पकड़े गए आरोपियों को इस काम के लिए 10 लाख रुपए देना तय हुआ था। आकाश पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन वरुण पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने राजनेता व व्यापारियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि शुक्रवार शाम मुखबिर के जरिए कुंदन नगर इलाके में कुछ बदमाश ठहरे रहने की सूचना मिली, जिनके द्वारा हिस्ट्री सीटर संजय मीणा, प्रतिशत व्यापारी और एक राजनेता की रेकी कर हत्या करने की फिराक में थे। सूचना के आधार पर सिटी के 9 थानों के थाना प्रभारी और पुलिस लाइन के जाप्ते और स्पेशल पुलिस के साथ मिलकर कुंदन नगर इलाके के चारों तरफ नाकेबंदी की गई। बाद में डोर टू डोर सर्च अभियान चलाया गया। देर रात को कार्रवाई करते हुए चारों को गिरफ्तार किया गया। एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि इस पूरे मामले में वरुण चौधरी और आकाश सोनी की अहम भूमिका है। उनके द्वारा ही इन शूटरों को भेजा गया है। वरुण चौधरी पूर्व में रहे मुकदमों में भी वांछित है। जिला पुलिस की टीम पूर्व में वरुण चौधरी को पकड़ने के लिए गई, लेकिन 15 मिनट की देरी के कारण वह फरार हो गया। वरुण चौधरी पर इनाम भी घोषित है। एसपी ने कहा कि जल्द ही पुलिस उसे पकड़ लेगी। कल शाम के समय हमें जरिए मुखबिर इतला मिली थी कि कुंदन नगर इलाके के अंदर कुछ बदमाश हैं, वो ठहरे हुए हैं और जो शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, एक राजनीतिज्ञ और एक अलवर गेट थाना इलाके का जो एचएस है संजय मीणा, उसकी रेकी कर रहे हैं और उनकी हत्या करने की फिराक में। इस सूचना के आधार पे हमने सिटी की जो सभी एसएचओ हैं और सीओ साहिबान हैं और एडिशनल एसपी हैं और पुलिस लाइन का जाब्ता और साइबर और स्पेशल के जाब्ते को लेकर के कुंदन नगर इलाके की पूरी चारों तरफ से नाकेबंदी की गई और उसके बाद में हमने डोर टू डोर सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद में हमने रात को चार लोगों को डिटेन किया है। जो उनमें से दो हैं वो कुमेर थाना इलाके के रहने वाले हैं भरतपुर के, और दो व्यक्ति जो हैं वो उद्योग नगर थाना भरतपुर के रहने वाले हैं, जिनके नाम हैं कपिल है और विजय हैं, जो कुमेर थाना इलाके के रहने वाले हैं, और सौरभ और अभिषेक जो हैं वो उद्योग नगर थाना इलाके के रहने वाले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये संजय मीणा और एक जो व्यापारी हैं और एक जो राजनीतिज्ञ हैं, उनकी हत्या करने के फिराक में थे। और जो आकाश सोनी हैं, जिसको अजमेर पुलिस ने अभी हैदराबाद से अरेस्ट किया था और उसने अपनी सोशल मीडिया पे हथियारों के साथ में फ़ोटो अपलोड की थी और फेसबुक पे एक धमकी भरा मैसेज है वो अपलोड किया था, उससे कि उसने हमें बताया है और हमने इन तीनों की रेकी की है। और एक अमन दिवाकर जो है, जो इनका है, जिसने इनको यहाँ पे मकान दिलवाया और ये आकाश सोनी और इनके बीच में था। आकाश सोनी का ये था कि ये यहाँ से इनको मकान दिलवाने के बाद में और इनको रेकी करवा करके ये यहाँ से हैदराबाद चला गया था, ताकि जब यहाँ घटना कारित हो तो उसकी लोकेशन है वो यहाँ पे नहीं हो और वो कानून के शिकंजे से बच सके। लेकिन मैं पूरी अजमेर पुलिस को धन्यवाद देता हूँ और कि उन्होंने जो जिस तरीके से नाकाबंदी करके और जो इनपुट मिला उसको डेवलप करके और इन चार बदमाशों को है वो अरेस्ट किया है। और आकाश सोनी से भी पूछताछ की जा रही है कि
कि इस वारदात के अंदर और कौन कौन शामिल है। अभी ये इनमें से एक है वो वरुण चौधरी है, उसका भतीजा भी है और हम जल्दी ही वरुण चौधरी को भी गिरफ्त में ले लेंगे। इनके कब्जे से सात है वो हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास में 14 मैगजीन थी और लगभग 82 जो कार्टिज है वो बरामद हुए हैं। ये शहर के अंदर बहुत बड़ी वारदात करने की फिराक में थे और अजमेर पुलिस की सजगता से और हमारे मुखबिर तंत्र की वजह से ये घटना को अंजाम नहीं दे सके। संजीव मीणा के अलावा और किसको नाम संजय मीणा के अलावा एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जिनका हम अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते और एक राजनीतिज्ञ हैं जिनको ये निशाना बनाने वाले थे। इसके अंदर जो अभी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर वरुण चौधरी और आकाश सोनी दोनों की पूरी संलिप्तता है और ये इन्हीं के ही भेजे हुए गुर्गे हैं। बिल्कुल वरुण चौधरी वांछित है और अभी कुछ दिन पहले हमारी टीम है वो उसको दबोचने के करीबी थी लेकिन 15 मिनट की वजह से वो हमारे हाथ आने से रह गए। उसके ऊपर इनाम भी घोषित है। विक्रम शर्मा मर्डर केस में भी वरुण चौधरी वांछित है। बिल्कुल वांछित है।